दो और चार के बीच में, चार और छह के बीच में डिफरेंस सेम है, तीन पांच और पांच सात के बीच में डिफरेंस सेम है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए। अब ध्यान रखना, पिछला एपिसोड जो था वो मैट्रिक्स था, उसमें ऐसा सिंबल था, ठीक है, डिटर्मिनेंट में ऐसे सीधे सिंबल रहते हैं, राइट। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे VITK 2019 के जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे उसके ट्रिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेम पेपर के मैंने दो और क्वेश्चन ले लिए हैं। पिछले एपिसोड को और उसके भी पिछले एपिसोड को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे एंकरेजमेंट वाले कमेंट्स आप लोगों ने करे, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है VIT 2019 का। पिछले एपिसोड में मैंने जिस पेपर के क्वेश्चंस लिए थे ये भी सेम ही पेपर का क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पेपर में आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं लगा सकते, आप एक ही पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक लगा सकते हो, यही मेरे को आप लोगों को दिखाना है। तो ये एपिसोड और पिछला एपिसोड सेम पेपर का था और अगला दो एपिसोड जो आएगा ना वो भी सेम पेपर का ही होगा, मतलब एक ही पेपर से आप बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स सीख रहे होंगे, राइट। तो ये 2019 के दो क्वेश्चन लिया मैंने। पहला क्वेश्चन सर्कल का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास में डिटर्मिनेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एलजेब्रा वाले पोर्शन से रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चन में बहुत ही खतरनाक ट्रिक लगेगा आपको, अगर आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए फायदेमंद है, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, एवरेज हो या फिर बहुत पुअर स्टूडेंट हो, मतलब पुअर मतलब वैसे पुअर नहीं, पढ़ाई में पुअर है ना, अगर वैसे स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये ट्रिक्स बहुत काम की आएंगी, आपका स्कोर बूस्टअप होगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो कि यार क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर्कल हैज रेडियस 3 एंड इट सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x माइनस 1। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ इट पासिस थ्रू 7,3 इज, ठीक है। अब जो भी अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, दो साल पढ़ाई करी है ना, जो एकदम सीधे दिमाग से सोचने वाले बच्चे हैं, जो आंसर खोजने का ट्राई करेंगे, वो क्या करेंगे, लग जाएंगे एकदम अ सर्कल हैज रेडियस 3, ऐसे स्टार्ट कर देंगे। रेडियस कितना है, 3 है, सेंटर कहाँ लाइन करता है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, पास किससे करता है, 7,3 से पास करता है। अब वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, क्या कह रहा है वो, अ सर्कल हैज रेडियस 3 एंड इट सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब कि सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो इस लाइन पे लाई करता रहेगा, राइट। और फिर वो दिमाग लगा के इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे और फिर सॉल्व करके इसके आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन वो गलत तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अप्रोच करने का ऐसे क्वेश्चन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सब क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आप एक्चुअल तरीके से अप्रोच करोगे, सॉल्व करने का ट्राई करोगे, तो वो आपका गलत तरीका होगा, क्योंकि उसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ट्रिक्स अप्लाई करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि VIT जैसे एग्जाम में कम टाइम होता है आपके पास में, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी अभी नहीं है आपके पास में VIT में, और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो आपको पहले ट्रिक से देखना पड़ेगा कि जल्दी कैसे सॉल्व हो रहा है। तो जल्दी का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करो, फर्स्ट थिंग आपका ये होना चाहिए। क्यों, अब कैसे करोगे ऑप्शन एलिमिनेट, यार रेडियस दिया है 3, उससे आप कुछ कर नहीं सकते, ये लाइन दिया हुआ है आपको y = x - 1, उससे आप कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन ये जो पॉइंट दिया है 7,3, इसमें एक बात मेंशन करिए कि जो इक्वेशन है सर्कल का, जो भी सर्कल है, ये जो भी सर्कल है, इतना तो पक्का है कि वो 7,3 से पास करता है, इतना तो पक्का है ना। तो अगर ये 7,3 से पास करता है तो सर्कल का जो भी इक्वेशन आएगा, आप सॉल्व करोगे प्यारे तरीके से, सॉल्व करके जो भी लाओगे लास्ट में, वो 7,3 उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यार ऑप्शन है आपके पास में, सेटिस्फाई करा के देख लो ना, देखो कौन कौन से ऑप्शन आपके एलिमिनेट होते हैं, समझे बात को। तो हम क्या करेंगे, 7,3 को पुट कर करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या एलिमिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, हम लोग देखेंगे, बाद में सोचेंगे आगे क्या करना है, राइट। तो 7 का स्क्वायर यहां पर जाएगा हमारे पास में 49, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर जाएगा हमारे पास में 9, है ना, प्लस 8 7 जा होगा हमारे पास में 56, है ना, फिर 3 और माइनस 6 यहां पर आएगा माइनस 18, फिर यहां पर आएगा प्लस 16। क्या ये आपको जीरो बनता हुआ दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पे बहुत बड़े बड़े टर्म्स है प्लस में, और माइनस में सिर्फ ये एक छोटा टर्म है माइनस 18, तो ये आप एडअप करोगे तो जीरो आपको नहीं बनता हुआ दिखेगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। इसी तरीके से अगले में देखो, अगले में आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर 49, है ना, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, है ना, फिर माइनस 8 7 जा 56, माइनस 56 हो गया, है ना,
फिर यहां पर 6 3 18 हो गया है ना, प्लस 18 हो गया, फिर यहां पर प्लस 16 हो गया। क्या ये आपको जीरो बनता हुआ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा जीरो बनता हुआ, क्यों? क्योंकि ये 49 और 9 मिलके हो रहा है 58 और माइनस 56 आ रहा है 2, 2 के बाद में 18 और 16 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये जीरो किसी भी एंगल में नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका हो गया एलिमिनेट। समझ में आ रहा है इसका बेनिफिट? बहुत जल्दी हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, आप उसको सॉल्व करते। पहला बात तो अगर आपको आता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन छोड़ देते, दूसरा अगर आपको आता भी होता तो आप सॉल्व करने में टाइम लगाते। इस तरीके से करो ना, अगर ये फेल कर जाता तब हम लोग सोचते यार कैसे करना है। फर्स्ट अप्रोच आपका यही होना चाहिए, फिर आप इसमें डालोगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 है ना, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9 है ना, फिर हो गया माइनस 8 7 जा 56, फिर हो गया माइनस 18 है ना, फिर हो गया माइनस 16। क्या ये हमारे पास में जीरो बन रहा है? तो देख लेते हैं, 49 और 9 मिला के 58 आएगा, 58 माइनस 56 आएगा 2, 2 के बाद में माइनस 18 माइनस 16, तो ये कुछ ज्यादा ही नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लो, कैसे करोगे? 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 8 7 जा 56 माइनस 6 3 जा 18 और ये हो गया प्लस 16, ठीक है। तो इसको चेक करो तो 49 और 9 58, 58 माइनस 56 आएगा 2 है ना, और ये माइनस 18 और प्लस 16 आएगा माइनस 2, तो ये 2 माइनस 2 आ गया 0, मतलब ये सेटिस्फाई आपका कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया। तो तीन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब ये तीनों सर्कल 7.3 से पास ही नहीं कर रहे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। ये लोग जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आप लोग टाइम वेस्ट कर दोगे पूरा सॉल्व करने में, और इन्होंने जानबूझ के ऑप्शन डी में डाला करेक्ट आंसर, ताकि आप अगर ऑप्शंस चेक भी करोगे ना, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो आपको लास्ट में जाके ऑप्शन मिले, पहले नहीं डालते ये लोग, आपका टाइम हर जगह से ये लोग क्या है वेस्ट कराना चाहते हैं। क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? कम टाइम में एक्सप्लेन करने में 5 मिनट लग गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में करोगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना ना सॉल्व करते वक्त, मेरे को तो अभी एक्सप्लेन करना है, कर करके दिखाना है आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा, आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। कैसे बोलेगा हड़प्पा? देखो यार, सेम पेपर है, वीआईटी 2019, कह रहा है इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी पे है, एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि 2 4 6 इस तरीके से, समझ रहे हो है ना, जैसे कि 3 5 7, मतलब डिफरेंसेस सेम हो, 2 और 4 के बीच में, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस सेम है, 3 5 और 5 7 के बीच में डिफरेंस सेम है, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए। अब ध्यान रखना, पिछला एपिसोड जो था वो मैट्रिक्स था, उसमें ऐसा सिंबल था, ठीक है, डिटर्मिनेंट में ऐसे सीधे सिंबल रहते हैं, राइट। तो ये डिटर्मिनेंट है, पिछले एपिसोड में मैट्रिक्स था, राइट। अब देखो इसको आप लोगों को सॉल्व करना, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सबको आता है, बेसिक जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है उतना आपको आना चाहिए, अगर उतना भी नहीं पता तो फिर नहीं होगा आपसे काम, ठीक है। तो बेसिक पढ़ाई करके जाना है, बहुत ज्यादा अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ नहीं पढ़े हो, डिटर्मिनेंट क्या होता है वही नहीं पता, तो फिर काम नहीं चलेगा, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को तो सब कर सकते हैं, लेकिन लेंदी है, लंबा पड़ेगा, लंबा होने के कारण क्या, आप लोग क्वेश्चन या तो छोड़ देते हो और या तो टाइम वेस्ट कर देते हो। जुगाड़ क्या बोलता है? जुगाड़ ये बोलता है कि यार हमको दिख रहा है ये एक्स एक्स एक्स, इस सारे एक्स को आप जीरो ले लो। भाई ये जनरल क्वेश्चन है ना, तो एक्स की हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा, एक्स की हर वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगा, तो आप उसको ले लो जीरो। अब अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना, बहुत सारे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज होते हैं, रूल्स होते हैं, आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो जुगाड़ से आप इसको जीरो ले लो। इस सबको आप जीरो ले लोगे तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा हट जाएगा। अब ये जो ए बी सी है, इसको क्या बोला है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने दिमाग में सोच लो, है ना, 1 2 3 सोच लो ना, सबसे सिंपल 1 2 3, क्या दिक्कत है, 1 2 3 सोच लो, 1 2 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एक 1 2 3 है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो 1 2 3 सोच लो, एकदम बढ़िया प्यारे तरीके से आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा कैसा, देखो 1 2 2 3 3 4, ये तो था ही सही, ये तो था ही सही। अब इसके साथ में 1 2 3 और डाल दो, 1 2 3 और डाल दो। अब इसको सॉल्व करके देख लो यार, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 1 into 3 3 9, इस तरीके से करते हैं ना, इसको रखेंगे फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, तो ये आपका आएगा 3 3 9 माइनस 4 2 8, तो ये आएगा 1, फिर आएगा आपका माइनस 2, बीच वाले के लिए माइनस साइन रखते हैं, है ना, फिर आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 2 6 माइनस 3 2 6, तो ये हो गया 0, है ना, फिर आपका आएगा प्लस 1, अब इसको हटाएंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 2 8 माइनस 3 3 9, मतलब माइनस 1, तो यहां से आया आपका 1, यहां से आया आपका 0, है ना, प्लस 0 माइनस 0 फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस 0 एक्चुअली, ठीक है, और फिर यहां से आया आपका माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया, इसको हटाओ, 1 माइनस 1 आपका आ गया 0,
तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आप आंसर क्या डालोगे, सी डालोगे। आप उतना टाइम लगाते इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने में, बहुत टाइम लग जाता आपको। तो हमने क्या करा, एबीसी की वैल्यू लेट कर ली, एक्स को जीरो ले लिया, तो हमारा काम आसान बन गया। आप चाहो तो कोई और एपी भी ले सकते हो, आप चाहो तो ये 246 लेके देख लो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना तो मैं आपको 246 लेके दिखा देता हूं। अगर मान लो मैं 246 लेता, सपोज यहां देख लो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये मेरा 1 2 2 3 3 4, ठीक है। अब मैं इसको ले रहा हूं 246 को, तो ये आया 246। इसको लेके कर लो, आपका आंसर जीरो ही आएगा, देख लेना। 1 लिया, उसके बाद में 6 3 18 माइनस 4 4 16, तो ये आया 2, है ना। फिर माइनस 2 लिया तो ये आया 6 2 12 माइनस 4 3 12, तो ये आया 0। फिर प्लस 2 लिया, है ना, फिर 4 2 8 माइनस 3 3 9, तो ये आया हमारे पास में माइनस 1। तो देख लो आप लोग, ये तो 0 हो गया, ये आया प्लस 2, ये आया माइनस 2, वापस से क्या आया, 0 आया। मतलब आप कोई सा भी डिटर्मिनेंट ले लो, आप सॉल्व करके आपका जीरो ही आ रहा है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो वापस बता देता हूं, इसको रखोगे 1, उसके बाद में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 6 3 18 माइनस 4 4 16, तो यहां पर 18 माइनस 16, इस तरीके से यहां पर 2 आया था। उसके बाद में इसको रखोगे, मतलब 2 रखोगे लेकिन माइनस साइन के साथ, जो मिडिल टर्म होता है ना वो माइनस के साथ जाता है, तो माइनस 2। उसके बाद में क्या करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 6 2 12 माइनस 4 4 3 12, तो ये आ गया 12 माइनस 12 0, इस तरीके से। और फिर तीसरा टर्म में वापस से प्लस आ जाता है, फिर तीसरा टर्म में ब्लॉक करोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। एक बार वापस से मैं आपको समझा देता हूं, ये मान लो आपके पास में 9 टर्म्स हैं, ये आपके पास में 9 टर्म है, पहले इसको रखोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसके बाद में इसको रखोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसके बाद में इसको रखोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरीके से आपका जो है काम होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने ये ट्रिक्स समझे होंगे, सीखे होंगे, और अप्लाई कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए वीआईटी ट्रिक्स के ऊपर में, तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो कि आप लोगों की क्या डिमांड है, किस टाइप के आप लोग ट्रिक्स देखना चाहते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीआईटी के ट्रिक्स के वीडियोस और बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी वीआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो सब भी इस वीडियो से और इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।